Welcome to Daily Learning YouTube channel. Today we are discuss on filmy dialogues. आज हमारा जो topic है वो फिल्मी dialogue पर English बोलना कैसे सीखना है उसको लेकर है. आज का topic बहुत ही interesting topic है, तो हमारे साथ बने रहें और channel को जरूर subscribe कर लें, notification bell icon पर जरूर press कर लें. तो हमारे Daily Learning YouTube में कुछ नया हमेशा मिलता रहेगा और कुछ नया हम सीखते रहेंगे. ये हमारे जो बॉलीवुड स्टार हैं, कौन हैं? अक्षय कुमार. आप सभी जानते हो इनको. तो हमारे आज के टॉपिक में बहुत सारे डायलॉग हैं, देखते हैं कौन कौन से डायलॉग हैं और उससे हम कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं. चलिए बढ़ते हैं आगे. फर्स्ट हमारा ऋतिक रोशन जी का डायलॉग आपने सुना ही होगा, डर के आगे जीत है, हिम्मत बना के रखनी है, डरना नहीं है. और इन्होंने इसीलिए एक डायलॉग दिया है, डर के आगे जीत है. इसे इंग्लिश में हम कहेंगे विक्ट्री इज बियॉन्ड फियर, विक्ट्री इज बियॉन्ड फियर. अमित जी का डायलॉग है, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, सुना होगा आपने. और इसे हम कहेंगे द लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर वी स्टैंड्स, द लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर वी स्टैंड्स. ठीक है, नेक्स्ट डायलॉग भी हमारे अमित जी का ही है. बहुत ही शानदार हस्ती हैं ये बॉलीवुड में. रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, कौन सी मूवी का डायलॉग है कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि कौन सी मूवी का डायलॉग है ये वाला, और आपका फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन सी है, और इसके अलावा फेवरेट डायलॉग आपको कौन सा अच्छा लगा है वो भी लिख करके बताएं. रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, इसे हम लिखेंगे आई एम योर फादर इन अ रिलेशनशिप, आई एम योर फादर इन अ रिलेशनशिप. ओके, रवि किशन जी, इनका भोजपुरी भोजपुरी मूवी है उनमें बहुत ज़्यादा इनका योगदान रहा है. और इन्होंने जो डायलॉग बोला है, फेवरेट डायलॉग है इनका, हमेशा बोलते हैं जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा. तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे द लाइफ इज हेल बट स्टिल यू फील प्राउड, द लाइफ इज हेल बट स्टिल यू फील प्राउड. चलिए नेक्स्ट हमारे आते हैं शाहरुख जी. शाहरुख खान, इनको कौन नहीं जानता है बताइए. और इनका जो फेवरेट डायलॉग है बादशाह मूवी का वो है नाम तो सुना ही होगा, और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू मस्ट हैव हर्ड द नेम, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम. ठीक है, इसी के साथ में हम आपको आज देते हैं कुछ ऐसा डायलॉग जिसे आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है. तुम मेरे लिए पूरी दुनिया हो, इसे ट्रांसलेट करिए और कमेंट में जरूर लिख करके बताएं. और आज की क्लास कैसी लगी आपको, आज का टॉपिक कैसा लगा आपको, और नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे इस तरह से लेकर आते रहेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें, और हमेशा स्माइल करते रहें. थैंक्स.